हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर ये पुत्रदा एकादशी बोलते हैं इसको, यहाँ पर एकादशी का श्रृंगार कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली है, पर मैं फास्ट रखती हूँ। फैमिली में सभी रख लेते हैं, अभी तो पहले नहीं रखते थे, अभी रख लेते हैं। अभी सब ऐसा ही माहौल हो गया है घर का कि सब मेरे साथ चलने लगे हैं। पहले मैं सबके साथ चलती थी, मुझे सबका मानना पड़ता था। अब सब लोग मेरे रंग में नहीं कह सकती मैं, ठाकुर जी राधा रानी के रंग में रंग गए हैं, उनके ऊपर भी ये सब मतलब आ चुका है रंग भगवान की भक्ति का। तो वो लोग भी मेरे साथ इस रंग में रंग गए हैं। एकादशी भी रखते हैं, जप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और तीर्थ पे जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो सब लोग मेरे साथ मिक्स हो गए हैं, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करने लगे हैं। चाहती मैं नहीं हूँ, वो भगवान चाहते हैं, और जो उनका मन होता है वही करवाते हैं। यहाँ पर ये रेडीमेड ड्रेस है, मैं ड्रेस कुछ स्टिच नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मार्केट से ये सिंपल सा ड्रेस ला के सिंपल सा श्रृंगार किया है। और आपको आप आइए, वीडियो देखिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे श्रृंगार व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आप कमेंट कर रहे हैं, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। मेरे 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों के लिए थैंक यू करती हूँ, दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, भगवान ने आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं होते। कई बार मैं बहुत शब्दों में ऐसी उलझ जाती हूँ कि मेरे से वॉइस ओवर होता ही नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं रहते। और इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, हमारे घर में नए मेहमान आए हैं, मेहमान नहीं कह सकती, मेहमान तो आते हैं और चले जाते हैं, नया मेंबर आया है। और उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है कि नीचे हमारे लैंडलॉर्ड के घर में मेड काम करती थी, तो वो इस्कॉन जाती थी, तो वो मुझे आई कांटेक्ट हुआ मिली, तो मैंने उसको बोला कि मुझे भी इस्कॉन लेके चला कर अपने साथ, तो मुझे लेके जाने लगे। 3 महीने से मैं जा रही थी उनके साथ, तो फिर कैसा हुआ, उसने एक दिन फर्स्ट मेरे घर आई तो बोला, आंटी आप अपने लड्डू गोपाल में से मुझे एक लड्डू गोपाल दे दीजिए। मैंने कहा बेटा ये लड्डू गोपाल तो मैं आपको नहीं दे सकती, ये तो सब अपने घर के मेंबर हैं, इनको मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं तुमको बाजार से ला के दे दूंगी। तो मैं संडे को मार्केट से, मतलब संडे को मैं इस्कॉन मंदिर से आई, मंडे को ही मैं जाके गोपाल जी लेके आ गई। उस दौरान वो बच्ची लेने नहीं आई, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो गोपाल जी की मैंने फोटो वीडियो पता नहीं क्या बना के अपने बच्चों को भेजा, तो बोलते हैं बड़ा सुंदर है मम्मी, इनका नाम मैं रखूंगी। मेरी बड़ी बेटी ने उनका नाम रखा पार्थ सारथी, कहती मम्मी इनका नाम पार्थ सारथी है। तो मैंने कहा ठीक है, पता नहीं मैं अपने हस्बैंड को वो गोपाल जी दिखाने के लिए लेके गई, तो उनकी आंखों से मेरी आंखें टकराई, ये ऐसा आई कांटेक्ट हुआ कि मैं इतना रोई, बच्चे की तरह विचलित हो गई कि मुझे ये गोपाल जी देने नहीं है, मुझे अपने घर रखने हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि ये क्या बचपना है, तुम आगे बहुत सेवा है तुम्हारे पास, तुम उनकी कर लो। तो फिर मैं रोने लगी, मैंने बोला मेरे दिल में कुछ मतलब होल पड़ रहे हैं, मेरे पेट में कुछ वलेट पड़ रहे हैं, मुझे ये लड्डू गोपाल उस लड़की को देने नहीं, वो आज आए मत लेने के लिए। तो बोले ऐसा नहीं होता, वो आएगी तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने ये भी बोल दिया लास्ट में, ठीक है तुम अभी तो रखो, कोई बात नहीं, वो आएगी तब की तब देखी जाएगी। मैंने गोपाल जी को मंदिर में रख दिया पॉलीथीन से निकाल के, और अपने रात को मैंने उनको बच्चों के साथ ही शयन करवा दिया। सुबह उठे मैंने उनका सब पंचामृत वगैरह सब करके मैंने उनको तैयार करके अपने मंदिर में विराजमान करवा दिया, और उनको मैं पार्थ पार्थ करके संबोधित भी करने लगी। बस आप बिलीव करेंगे, वो लड़की गोपाल जी को लेने नहीं आई। और फिर मैं थर्सडे को गई मार्केट, थर्सडे या सैटरडे को मैं मार्केट गई, फिर से मैं लड्डू गोपाल लेके आई, दोबारा नई ड्रेसें लेके आई, नया श्रृंगार लेके आई, और मैंने लाके उसको अपने घर में उनको भी सुला लिया साथ में रात को। तो सैटरडे को संडे को सुबह वो लड़की मेरे घर आई,
गोपाल जी लेने। देखो वो गोपाल जी हमारे घर रहने थे, उनकी सेवा मेरे को ही मिलनी थी, उन्होंने हमारे घर ही आना था, घर चुना था उन्होंने यही वाला। वो गोपाल जी वो थैली में ही थे, मैंने उनको थैली में डाल के दिए तो पता नहीं मुझे दिल को कुछ हुआ, फिर मैंने टोकरी में उनको डाला तो उनके फेस पे एकदम स्माइल आ गई, वो बच्ची एकदम रोने लगी, कह रही आपने तो बहुत सुंदर ड्रेस पहनाई, बहुत सुंदर सजा के आप मुझे दे रहे हैं। मैंने बोला ये मैं कुछ नहीं कर रही, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। तो वो बच्ची बड़ी खुश हो गई, लड्डू गोपाल को लेके गई कि अब जन्माष्टमी आ रही है, मैं फेस्टिवल मनाऊंगी और मैं आज से आपको प्रॉमिस करके जा रही हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगी, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं लूंगी, माता जी मैं इसकी फुल सेवा करूंगी, बहुत मन से करूंगी। मैंने बोला अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर कभी ऐसा हो जाता है तो ठाकुर जी भाव के भूखे हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए, तो आप भाव से सेवा करना, दिल से करना। तो उसने बोला ठीक है। यहाँ पर मैंने वाइट मैच किया है क्योंकि जो मार्केट वाला दुपट्टा था वो बहुत हार्श था, हार्ड था, उसका वो चीज़ अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैंने उनको ये अच्छे से नहीं किया। तो आप मैं आपको बताना चाहती थी कि यहाँ पर मैंने सिंपल सा श्रृंगार किया है राधा रानी का, पर ये मिक्स मैच करके मैंने दुपट्टा मेरे पास था मैंने वो डाला है। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे बहुत 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 सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और यहाँ पर संडे को ये जो श्रृंगार था ये मैंने सुबह 3:30 बजे मैं उठ गई, मैंने मंगला आरती वगैरह करके ये मैंने एकादशी वाले दिन ही श्रृंगार किया था। और ऐसा होता है कि जो एकादशी का श्रृंगार होता है ना वो मैं एकादशी वाले दिन करती हूँ, और जो कोई फेस्टिवल वाले श्रृंगार होते हैं वो मैं एक दिन पहले भी कई बार कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह हमको बहुत पूजा पाठ ये सब ठाकुर जी का भोग बनाना सब करना होता है, तो उसमें श्रृंगार में 2 घंटे 2.5 घंटे जाते हैं, आराम से जाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें राधा रानी को पसंद नहीं आती हैं, कोई ठाकुर जी को पसंद नहीं आती हैं, फिर काफ़ी चीज़ें चेंज 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 करके पहनाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हो जाए कि जो ड्रेस मैंने सोच के रखी होती है वो पहनते ही नहीं हैं, वो कैसे भी कर लो उन पे फिट नहीं आएगी, टाइट हो जाएगी। कई बार मैं मशीन पे रख रख के भी उसी टाइम करती हूँ, तब भी उनकी फिटिंग की भी बना लेती हूँ तब भी वो नहीं पहनते, तो उनको दूसरा पहनना होता है। यहाँ पर हम लोग एकादशी वाले दिन एकादशी का भोग ही लगाते हैं क्योंकि सब रखते हैं। ये बीच वाले लड्डू गोपाल हैं पार्थ, फर्स्ट वाले हैं गोपाल जी, गोपाल जी नहीं लड्डू, पार्थ, माधव, और छोटे वाले गोपाल जी हैं जो मेरी सासू माँ ने लिए थे। ये चारों अभी यहाँ विराजमान हो गए हैं और ये न्यू मेंबर हमारे घर के, बहुत सुंदर इनका रूप है, इनकी आंखों में आप देखो तो कुछ हो जाता है। और यहाँ पर इसके बाद मैंने ठाकुर जी को 1:30 बजे लंच का भोग लगाया। उसके बाद लंच का भोग लगाने के बाद मैं मंदिर के लिए तैयार होने लगी, मैं इस्कॉन मंदिर चली गई। इस्कॉन मंदिर जब मैं चली जाती हूँ वहाँ से मेरा आने का मन नहीं होता, बस दिल करता है यहीं रह जाऊँ, यहीं की हो जाऊँ, घर गृहस्थी है, गृहस्थ में रहती हूँ मैं, आना तो पड़ता है क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, अभी मैं जिम्मेदारियों से फ्री नहीं हुई हूँ, बस मुझे आना पड़ता है। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हरे कृष्णा। और यहाँ पर मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ इस्कॉन मंदिर के लिए, वहाँ पर आप भी इस्कॉन मंदिर का आनंद लीजिए, वहाँ के कीर्तन का आनंद लीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, और दिल से शुक्रिया 5,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। कोई त्रुटियाँ हों तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, मैं अपने दिल से आपको हर हर उस चीज़ के लिए जो आपके खिलाफ जाती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी कोई कमेंट करता तो मैं उसको
दिल से मानती हूँ और मैं उसको पूरा करती हूँ। और आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पर भोग है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, इंजॉय कीजिए कीर्तन।